नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी आज कुछ विशेष बात पर चर्चा करने के लिए आया हूं। जैसे आपने देखा है कि वैकेंसीज का दौर शुरू हो गया है और जुलाई महीना प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए स्वर्णिम महीने के रूप में है, जहां पर 3 वैकेंसी आपका दरवाजा खटखटा रहती है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में। सबसे पहली वैकेंसी जो कि कल आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आया हुआ है, आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दें। दूसरी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करें, UPSI पूरी प्रबल संभावना है कि जुलाई के पहले थर्सडे को ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी UPSI की। तीसरी जो आपकी वैकेंसी है राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, वो भी वैकेंसी आपकी जुलाई में है। और चौथी जो आपकी महत्वपूर्ण वैकेंसी है UP TET, 8 तारीख को जैसे ही CTET का आपका फॉर्म परीक्षा होगी UP TET का एक माहौल बनना प्रारंभ हो जाएगा। UP TET का वार्षिक कैलेंडर निश्चित है, आप सभी लोग जानते हैं तय समय पर परीक्षा UP TET की होती है, तो जुलाई से हमें UP TET की भी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा सिलेबस है और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो ये चारों एक महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपका आपके लिए जो है दरवाजा खटखटा रही हैं, जिसको लेके अनेकों प्रकार के फोन कॉल्स आपके जो है लगातार संस्थान को मिल रहे हैं कि सर क्या है, इन बैचेस की स्थिति क्या है, उन बैचेस की सूचनाओं को लेकर। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार सीधे आपसे रूबरू होकर आप सभी लोगों को ये महत्वपूर्ण सूचना से अवगत करा दूं। क्लियर? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जुलाई माह जब से वर्ष शुरू हुआ हमें इसी चीज का इंतजार था कि कब जो है परीक्षाएं आए। इलेक्शन था, इलेक्शन के कारण बहुत सारी वैकेंसी रुक गई, उसके पहले SSC पिछले 2 वर्ष से परीक्षाएं नहीं करवा रहा था, ये सब समस्या थी। तो लगभग जनवरी से हम ये इंतजार ही कर रहे थे कि ये शैक्षणिक वर्ष जो परीक्षार्थियों का शैक्षणिक वर्ष होता है वो वैकेंसी के रूप में कब वास्तव में शुरू हो रहा है, और अब वो मौका आपके सामने है। अगले 3 से 4 महीने आपकी दिशा और दशा बदल सकते हैं। आप सभी कामों को अपने बंद करके केवल अगर 3 से 4 महीने कंसंट्रेट हो जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि एक अच्छी नौकरी आपकी झोली में होगी। अलग अलग तरीके से हम देखें जुलाई महीने में जो स्वर्णिम अवसर आपके लिए आया है 4 प्रमुख वैकेंसीज के रूप में है। सबसे पहले तो कल जो वैकेंसी आई है, पहली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, जिसको हम कहते हैं कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक की जो पहली वैकेंसी है, क्लियर है। दूसरी वैकेंसी मैंने आपसे कहा यूपीएसआई की वैकेंसी जुलाई के पहले सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है। तीसरी वैकेंसी मैंने आपसे कहा यहां पर कि तीसरी वैकेंसी है आपकी लेखपाल, जिसमें 2 तरह के पद आपके सृजित हैं जो कि आनी ही आनी है। एक तो आपका राजस्व लेखपाल का पद है और दूसरा आपका चकबंदी लेखपाल का पद है। चकबंदी लेखपाल का पद है, लगभग 4,000 और 2,500 के आसपास आपकी वैकेंसी है। और चौथी वैकेंसी जो हम लोगों की है वो UP TET वैकेंसी। क्या है? एक पात्रता परीक्षा है जो जिसका एक अपना वार्षिक कैलेंडर है, अपने तय तौर तरीके हैं, और जुलाई से हमारी ये वैकेंसी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी। तो जो कनिष्ठ सहायक है आपका जूनियर असिस्टेंट का जो पद है, इसके लिए लगभग आपने कल देखा 1100 से ज्यादा पदों पर, 1178 के आसपास पदों पर वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आप भी अपना फॉर्म भरें। यहां पर खास बात है, जिन लोगों को गणित से डर लगता है, गणित यहां पर नहीं है, रीजनिंग हिंदी और GS है, आप यहां पर लाभान्वित हो सकते हैं। और इसके साथ दूसरा टाइपिंग है UPSI। बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे जो है छात्र छात्राएं जो मुझसे पिछले 3 से 4 साल से ऑफलाइन ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, वो लगातार 2011 की वैकेंसी के बाद इसका इंतजार कर रहे थे, 2016 के बाद यहां पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये स्वर्णिम अवसर आपके लिए UPSI के रूप में है। जल्द ही जुलाई के पहले जो है आप देखेंगे सप्ताह में वैकेंसी आपके समक्ष होगी। लेखपाल फॉर्म भरा चुका है, आधे लोग फॉर्म भर चुके हैं, फिर कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है क्या था, तकनीकी गड़बड़ी के कारण फॉर्म भरना रोक दिया गया। अब जो है परसों जब लेखपाल वितरण हुआ, जो लेखपालों के लिए जो कंप्यूटर का वितरण किया गया, उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जुलाई माह में इसकी विज्ञप्ति को निकाल दिया जाए और इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। क्यों? लेखपालों की बहुत ज्यादा कमी है जो है आपके उत्तर प्रदेश में। और चौथा UP TET, जैसे ही 8 तारीख को आपका CTET का पेपर होगा, हम लोग UP TET की तैयारी को विधिवत रूप से शुरू कर देंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि चारों ही बैच संस्था द्वारा चलाए जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ चलाए जाएंगे, जैसे जो है बैच चलते रहे हैं, और इन बैचेस की सूचना तय समय पर आपको जरूर दे दी जाएगी। लगभग 10 से 15 जुलाई के बीच में
ये बैच आपके आएंगे और इन सभी बैचेज में पढ़ाई 10 से 15 जुलाई के बीच में शुरू होगी। संस्था समय समय पर इनकी सूचना आपको देती रहेगी। मैंने एक ये कॉमन वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे जो फोन कॉल आते हैं उनको जो है अटेंड करने में थोड़ा सा समस्या होती है, बार बार एक ही बात कहने के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म से एक सार्वजनिक सूचना आप सब लोगों को दी जा रही है। आपको ना तो भ्रमित होने की जरूरत है, ना आपको उत्तर प्रदेश के, आप अगर ग्रामीण से ग्रामीण अंचल में बैठे हुए हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रयागराज में हैं तो भी आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी के साथ ये चारों ही बैच टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से संचालित किए जाएंगे और जुलाई में जो है आपके जो है इसके चारों ही बैच आएंगे। ठीक है, तो एक सार्वजनिक सूचना थी आप सभी के लिए और आप लोग अच्छे से फॉर्म भरें, अच्छे से तैयारी करें। अगर कहीं व्यस्तता हो तो उस व्यस्तता को आप 2-5 दिन में निपटा लें, रिफ्रेश हो जाएं पढ़ने के लिए, अगले 3 से 4 महीने पढ़ने के लिए रिफ्रेश हो जाएं। आप हमारे साथ पढ़ें अच्छी बात है, आप स्वयं से पढ़ें और अच्छी बात है, लेकिन ये 3 महीने जो आपके वैकेंसीज के महीने हैं, इन 3 महीने आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर आपने इन 3 महीनों का अच्छा उपयोग किया तो एक शानदार नौकरी आपकी झोली में होगी, है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये एक सूचना के रूप में एक वीडियो था और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं, आपके भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं और अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए। इस वीडियो के माध्यम से एक सूचना आपको प्रेषित की गई है और अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए। संस्थान और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लगातार आपको सूचना प्रेषित करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच।